हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पार्क एकेडमी। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं मैथ्स 2 के बेसिक कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री के प्रैक्टिस सेट 1.3 से। ओके, आज हम जो सीखने वाले हैं वो है कंडीशनल स्टेटमेंट एंड कन्वर्ज। यानी कि मैं आपको यहां पर एक ऐसा स्टेटमेंट दूंगा जिसमें आपको कंडीशन का एहसास होगा। कंडीशन यानी कि आप पॉसिबिलिटी या संभावना या शर्त जिसे हम कह सकते हैं। जैसा अगर मैं कहूं कि इफ यू स्टडी वेल देन यू विल गेट अ गुड मार्क्स, यानी मैंने यहां पर कंडीशन किससे लगाया, इफ एंड देन, ऐसे दो शब्दों का हम यूज करेंगे या जिस स्टेटमेंट में आपको इफ और देन ऐसे वर्ड दिखे उस स्टेटमेंट को आप कंडीशनल स्टेटमेंट कह सकते हो। यानी इफ और देन एक कंडीशन रखता है आपके सामने। जैसे अगर मैं कहता हूं इफ यू विल वर्क हार्ड, अगर आपने मेहनत अच्छी की देन यू विल सक्सीड, तो आप सफलता पाओगे। यानी इसमें कंडीशन है, आप 100% आप कब सफलता पाओगे, जब आप हार्ड वर्क करोगे, मेहनत करोगे। तो इफ और देन जिस स्टेटमेंट में ये दो वर्ड आते हैं उसे हम कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं। कन्वर्ज क्या होता है बेटा, कन्वर्ज यानी कि उसका उल्टा। तो आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। सो व्हाट इज अ कंडीशनल स्टेटमेंट, जैसा कि मैंने आपको बोला इफ यू वर्क हार्ड, अगर आपने हार्ड वर्क किया देन यू कैन स्कोर गुड मार्क्स, देन यू कैन स्कोर गुड मार्क्स। इफ यू वर्क हार्ड देन यू कैन स्कोर गुड मार्क्स, अगर आपने अच्छी मेहनत की तो आप अच्छे मार्क्स पाओगे। तो यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर इफ और देन ऐसे दो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। तो ये स्टेटमेंट मेरा कंडीशनल स्टेटमेंट कहलाएगा। इस कंडीशनल स्टेटमेंट में दो टर्म और होते हैं। इफ के बाद जितने भी टर्म आएंगे और देन से पहले, इफ के बाद से और देन से पहले, इस बीच वाले टर्म को हम कहते हैं एंटीसीडेंट। क्या कहते हैं बेटा, एंटीसीडेंट। और देन के बाद ये जितना टर्म है या जो भी सेंटेंस है, इफ के बाद वाला सेंटेंस कहलाता है एंटीसीडेंट और देन के बाद वाला सेंटेंस कहलाता है कॉन्सिक्वेंट। क्या कहलाता है बेटा, कॉन्सिक्वेंट। तो आइए आपके प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर आपको इफ और देन का यूज करने के लिए बोला गया है। ओके स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 1 है जहां पर आपको इफ और देन का इस्तेमाल करना है। ये एक स्टेटमेंट आपको दिया है, द अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। आपको इस स्टेटमेंट में इफ और देन लगाना है, यानी कि इस स्टेटमेंट को आपको कंडीशनल स्टेटमेंट बनाना है। जैसे ये इफ और देन इस स्टेटमेंट में लग जाएगा, ये मेरा कंडीशनल स्टेटमेंट बन जाएगा। तो कैसे बनेगा, क्या बोल रहा है, ये कहता है द अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो बेसिकली ये पैरेललोग्राम क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल है, आप जानते ही हैं, रेक्टेंगल एक क्वाड्रिलेटरल है, रोम्बस एक क्वाड्रिलेटरल है, स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल है, उसी तरीके से पैरेललोग्राम भी एक क्वाड्रिलेटरल है। द अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। तो मैं ऐसा कह सकता हूं इफ द क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम देन द अपोजिट एंगल आर कॉन्ग्रुएंट।
इफ और देन का इस्तेमाल कर लिया। मैंने कहा इफ द क्वाड्रिलैटरल इज पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम का शॉर्ट फॉर्म है, मेरे पास स्पेस कम है इसीलिए मैं ऐसे लिख रहा हूं। इफ द क्वाड्रिलैटरल इज पैरेललोग्राम देन ऑपोजिट एंगल आर कॉन्ग्रुएंट, देन अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। और कैसे हो सकता है, इसका और एक पॉसिबिलिटी है, ऐसे लिख सकते हैं इफ द अपोजिट एंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन द क्वाड्रिलैटरल इज पैरेललोग्राम। अब मान लो ये आपका कंडीशनल बन गया, हालांकि अब आप इसे कन्वर्ज में कैसे लिखोगे, आपको ये कंडीशनल दे दिया है और आप जानते हो कि इफ के बाद वाला ये आपका है एंटीसिडेंट और देन के बाद वाला आपका है ये कॉन्सिक्वेंट। हालांकि आपको बोला नहीं है कि आप इसे कन्वर्स कीजिए, चलिए इसी एग्जांपल पे हम कन्वर्स भी सीख लेते हैं ना। तो कन्वर्स में मैंने बोला है देन के बाद वाला पहले आएगा और इफ के बाद वाला जो एंटीसिडेंट है वो पीछे चला जाएगा, यानी कि अगर आप इसका कन्वर्स स्टेटमेंट बनाना चाहें तो कैसे बनाओगे बेटा, इसका कन्वर्स ऐसे बनेगा इफ द अपोजिट एंगल आर कॉन्ग्रुएंट, इफ द अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन अब ये द क्वाड्रिलैटरल इज पैरेललोग्राम, देन द क्वाड्रिलैटरल स्पेस कम है मेरे पास तो मैं यहां लिख देता हूं इज पैरेललोग्राम। तो ये दोनों स्टेटमेंट में मैंने इसको बना लिया और ये दोनों की दोनों आपस में कंडीशनल ही हैं, क्योंकि इस दोनों स्टेटमेंट में इफ और देन का इस्तेमाल हो रहा है। ये कंडीशनल है, ये इसका कन्वर्स है, या तो आप ये कंडीशनल है और ये इसका कन्वर्स है, ऐसा भी कह सकते हो। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला स्टेटमेंट है द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। यहां पे मैंने ऑपोजिट एंगल पे बात किया, यहां डायगोनल पे बात हो रहा है, यहां पे क्वाड्रिलेटरल का नाम रेक्टेंगल है, कैसे बनेगा स्टेटमेंट, आइए बनाते हैं। इफ द क्वाड्रिलेटरल इफ द क्वाड्रिलेटरल इज रेक्टेंगल, अगर क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल है देन डायगोनल्स आएगा प्लूरल, डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इस तरीके से ये आपका स्टेटमेंट बन जाएगा, कंडीशनल स्टेटमेंट बन गया। अब आप चाहो तो इसका कन्वर्स कर लो, कन्वर्स में क्या होगा, इफ ये कॉन्सिक्वेंट है, ये एंटीसिडेंट है, इफ के आगे वाला एंटीसिडेंट और देन के आगे वाला कॉन्सिक्वेंट, तो कॉन्सिक्वेंट पहले आ जाएगा। इफ द डायगोनल आर कॉन्ग्रुएंट देन द क्वाड्रिलैटरल इज रेक्टेंगल, ये कन्वर्स में इस तरीके से बन जाएगा। बहुत सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल है। थर्ड स्टेटमेंट पे आते हैं। अब चूंकि मेरे पास यहां जगह नहीं आंसर लिखने का, आई डोंट हैव स्पेस टू राइट द आंसर, सो आई विल रब दिस क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 एंड आई होप कि आपको यह समझ में आ गया होगा अच्छे से। और फिर भी अगर नहीं समझा है तो आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछिए और या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में पूछिए, आप पर्सनल व्हाट्सएप पर भी मुझे पूछ सकते हैं। आइए इसका आंसर कंट में बनाते हैं। आंसर में पहले लगेगा इफ, क्योंकि मुझे इफ और देन का इस्तेमाल करना है।
इन एन आइसोसिलस ट्राइंगल, एक आइसोसिलस ट्राइंगल है, आइसोसिलस समझता है आपको, जिसके दो साइड आपस में इक्वल होते हैं, वो आइसोसिलस ट्राइंगल होता है। इन एन आइसोसिलस ट्राइंगल द सेगमेंट ज्वाइनिंग द वर्टेक्स एंड मिड पॉइंट ऑफ द बेस, मतलब इस पॉइंट को और इस मिड पॉइंट को जो लाइन ज्वाइंट करती है, इन दोनों पॉइंट को जो लाइन ज्वाइंट करती है, इज परपेंडिकुलर टू द बेस, वो बेस के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, ये कंडीशन है। तो आइए कैसे बनेगा ये, इफ इफ एन आइसोसिलस ट्राइंगल, मैं लिख शेप बना दे रहा हूं, इफ एन आइसोसिलस ट्राइंगल लिख देता हूं, इफ एन आइसोसिलस ट्राइंगल देन द सेगमेंट, आगे पूरा स्टेटमेंट बेटा एज इट इज आ जाएगा, देन द सेगमेंट ज्वाइनिंग द वर्टेक्स एंड मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज परपेंडिक्यूलर टू द बेस। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि मुझे किसी भी स्टेटमेंट में इफ एंड देन का कैसे इस्तेमाल करना है। और इस तरीके से हम इफ और देन का इस्तेमाल करके किसी भी स्टेटमेंट को कंडीशनल स्टेटमेंट में कन्वर्ट भी कर सकते हैं और इसको कन्वर्स भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या पूछा है। यहां पर मुझे सिर्फ इफ और देन यूज करने बोला था, वो मैंने कर दिया, मेरा काम खत्म। सो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, इट्स बेटर आई विल स्टॉप दिस वीडियो हियर एंड क्वेश्चन नंबर टू के लिए मैं आपको अगले सेशन में मिलूंगा। तब तक के लिए आप घर पे रहिए, सेफ रहिए और अपनी स्टडी को अपनी जिम्मेदारी से करते रहिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट।